या तो बेरा नहीं मना, पर यह बात नोटिस करिए कि जब तक डांडा न्योली वाला की कंट्रोवर्सी हुई है उसके बाद उसके गाने पे व्यूज पहला था ज्यादा आन लग गए हैं, नए गाने पे भी और पुराने गाने पे भी। मेरा याद है पहला डांडा न्योली वाला के गाने पे 6-7 लाख व्यूज आया करा थे और उस पर अटक जाया करा थे, लेकिन ईब जो गाने आवे हैं उनमें मैंने 10-12 लाख व्यूज तो आराम तक देखूँ 1 घंटा में हो जाए। तो ईब सवाल आवे है कि के डांडा न्योली वाला कंट्रोवर्सी करके फेमस होया है, तो ईब जवाब सुनो, मन्ने नहीं लगता कि डांडा न्योली वाला पहला ज़्यादा फेमस था, मन्ने नहीं लगता कि डांडा कंट्रोवर्सी तक ज़्यादा फेमस होया है। तब मैं बेरा है कि डांडा न्योली वाला का अप टू यू गाना कितना चल रहा था, यूट्यूब पर 2 करोड़ तक ज़्यादा उस पर व्यूज आ रहे हैं, इंस्टा पर 2.5 लाख तक ज़्यादा उस पर रील बन रही है और स्पोटीफाई पर 50 मिलियन तक ज़्यादा स्ट्रीम है। सीधी सी बात ही न्यू है कि अप टू यू गाना डांडा न्योली आला हाथर बहुत बड़ा ट्रैक साबित होया है। जिन जिन्ने अप टू यू गाना बढ़िया लग गया उन्होंने डांडा के और भी गाने सर्च करे और उन तें वे डांडा न्योली वाला ने फेमस करके डांडा न्योली वाला ने लोग पसंद करने लग गए, फिर वे डांडा के फैन बन गए। उसके बाद डांडा के जो भी गाने आए वे लोगों ने सुनने शुरू कर दिए। यो गाना जब आया था जब कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई थी तो कईयों ने लग गया कि डांडा कंट्रोवर्सी तक फेमस होया था, जबकि इस अप टू यू गाने का बहुत बड़ा हाथ है डांडा ने फेमस करने में, और यो कंट्रोवर्सी करके भी डांडा लोगों की नज़रों में आया। और भाई डांडा न्योली वाला के गाने में दम भी है और डांडा न्योली वाला में भी दम है। और हाँ, डांडा की कंट्रोवर्सी में थारा के सोचना है तो कमेंट करके जरूर बताइयो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लियो। हरियाणवी म्यूजिक से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पर मिलती रहेंगी। राम राम।